नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र व संविधान बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, भीम निषाद ने कहा। बृहस्पतिवार को गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद व इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने संयुक्त रूप से तहसील बल्दीराय के सैनी चौराहा पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद ने सभी जनपद वासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र व संविधान को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता व नेता भीम निषाद बनकर चुनाव लड़ेगा व चुनाव मैदान में उतरेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। यह लड़ाई देश से संविधान बचाने की है। देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया करेगी और इंडिया गठबंधन देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद को जिताने के लिए एक एक कार्यकर्ता व नेता जान जुटा देगा। गठबंधन कार्यकर्ता व नेता क्षेत्र में जाकर जनता के सामने भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बताकर उनके भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड में भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, जनता समझ चुकी है देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी में भारतीय जनता पार्टी शुमार है। ऐसे में इस मौके पर जिला सचिव उमाकांत यादव, मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड जिला सचिव पिंटू यादव, राकेश यादव, रमेश कुमार यादव, पूर्व प्रधान विरधौरा रामचंद्र यादव, ब्रजेश यादव, अजय यादव, राजेश कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजदेव यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।